देख लेते हैं। आधुनिक भारत में चैप्टर 36 में शुरुआत करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट को। तो उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान, फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। कुछ मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापकों को देख लेते हैं, जैसे अवध। अवध से शहादत खान ने स्वतंत्र कराया था। हैदराबाद चिन किलिच खां या निजाम उल मुल्क या आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादतुल्ला खां। भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को चूड़ामन उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। अब आगे देखते हैं कि नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताऊस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताऊस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठा की हार हुई थी। मुगल गुलाम कादर खान ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह दो जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसे ने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। बहादुर शाह और इसके शासनकाल कब तक रहा है? उत्तरकालीन मुगल को देख लेते हैं जो शाहजहां के बाद थे। तो बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियार 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी, अकबर टू 1806 से 1837 ईस्वी, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 ईस्वी। 37 भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नीलिस इस्त अमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉम्स स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में
1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपुट्टम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्रदान हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कंपनी और स्थापना वर्ष को देखते हैं, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1498 ईस्वी में, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और वहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए एलांग सांपाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया एवं उसकी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुए पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। 38 बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुए। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बनाया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765, निजाम उद्दौला 1765 से 1766, सैफ उद्दौला 1766 से 1770, मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 39 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण की।
टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1789-99 ईस्वी में हो गई। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। अब देखते हैं प्रमुख युद्ध, वर्ष और गवर्नर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड विलेजली। महत्वपूर्ण संधियां, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि 1769 ईस्वी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलूर की संधि 1784 ईस्वी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792 ईस्वी। 40 सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक प्रथम गुरु को है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सह भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत, धर्मशाला एवं और पंगत लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु राम अमरदास सन 1552 से 74 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवण का प्रचलन किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। बीवी के पति रामदास सन 1574 से 81 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीवी मानी को 500 बीघा भूमि दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणार्थक प्रार्थनाएँ और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु गोविंद 1606 से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त पर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय 1645 से 61 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हर किशन 1661 से 64 ईस्वी हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 75 ईस्वी हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज के गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पादशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह सब जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पाओता थी।
इनके दो पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक गुरु आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1768 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को शुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चतर सिंह ने 12 मिसलों में शुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया था। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को हुई। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाई नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। 41 कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाई 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मसले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेवारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बड़े लास्ट 1767 से 1769 ईस्वी, कार्टपियर 1769 से 1772 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 ईस्वी। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार
बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी अकार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी, इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी कारण 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम विलिकिंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में बंगाल का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट ने 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुए। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो वर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी, इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के और 1 बिहार के लिए नियुक्त थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कराया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जानसौर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिले में लागू की गई थी। इसने जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर 1793 से 98 ईस्वी, इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। लॉर्ड विलेजली, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली ने से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाला राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बड़ाड़ एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य
जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 ईस्वी, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी, इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच मंगोलों की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासिल मोहम्मद चित्तू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति के अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्टन 1823 से 1828 ईस्वी, इसके समय में बंगाल प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, ये नोट करने की बात है। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकॉले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड एडलिन बड़ो 1842 से 44 ईस्वी, इसने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध की राजधानी 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी, इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजय हुए। इसने निर्बली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को बेच दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लॉर्ड बर्मा एवं पीगू को अंग्रेज राज्य में मिला लिया गया।
डलहौजी ने सिक्किम पर दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनामी कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। भूमिकर रहित जागीरों का पता करके डलहौजी का शासनकाल अपने व्यापिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना को मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के उड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में राजधानी नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1856 ईस्वी में। कैनिंग के समय में ही सन 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रतिरूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एलिंगटन 1862 से 1863 ईस्वी, इसके वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869 ईस्वी, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868-69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने चिम्बलेक हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1862 से 1869 से 1872 ईस्वी, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी में, इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा।
इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने के से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत और आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्टेची के अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी इलिजा विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने व व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की आयु अधिकतम 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्ल प्राचय महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी, रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में ही शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विद्रोह में किए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 ईस्वी, इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1884 से 94 ईस्वी, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंड रेखा का निर्माण इसी के समय में हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। 1895 से 98 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैली के अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन
परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्ला खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस में के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी के द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 ईस्वी, इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज प्रथम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा कास्ट एडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटी चौरी चौड़ा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में के बाद महात्मा गांधी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्रनंदन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 को के चुनाव में इस दल के मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रीय नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी, 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर जिले में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की और भूख हड़ताल के 63वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज दोनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अंग्रेजों ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी, इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ।
इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजी मैकडोनाल्ड्स ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसमें गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पुनः समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी, इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, ना कोई भाई ना कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 ईस्वी, शिमला समझौता 1945 में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से 1948 ईस्वी, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। तो अभी तक के लिए इतना ही। हम लोग बाकी और भी चीज़ों को शुरू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।